हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सारिका त्यागी। आज दोस्तों मैं पुलाव बनाने वाली हूँ। उससे पहले अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और कमेंट बॉक्स में लिखना। वीडियो शुरू करती हूँ। ये मैंने 3 से 4 टमाटर काट लिए हैं। ये फ्रेंड मैंने आलू लिए हैं। 4 से 5 आलू को मैंने छील के अच्छे से धो के काट लिया है इस तरह से। ये मैंने गोभी का फूल लिया है, एक फूल काट लिया है मैंने अच्छे से धो के। इसको काट लिया है साफ करके अच्छे से। एक कटोरी मैंने मटर लिया है, इसको भी मैंने धो के साफ कर लिया है। ये लहसुन की कलियां हैं, 8 से 9 कलियां मैंने छील के इनको अच्छे से काट लिया है इस तरह से बारीक। ये फ्रेंड्स प्याज है, मैंने प्याज को भी एक बड़ा प्याज अच्छे से काट लिया है धोकर। ये धनिया पत्ती है, इसको भी मैंने अच्छे से धो के साफ कर लिया है। ये 1 गिलास मैंने चावल लिया है हुआ है, इसको भी मैं धो के अच्छे से साफ कर लूँगी एक बाउल में डालकर। ये फ्रेंड्स मैंने एक भिगोना लिया हुआ है, मैं इसको गैस पे रख दूंगी और इसमें तड़का लगाऊंगी। मैं 1 चमचा लूंगी, उसमें ऑयल करूंगी। ये 3 चमचे मैंने ऑयल के डाल दिए। इसको मैं थोड़ा गरम करूंगी। हमारा ऑयल गरम हो चुका है, मैं इसमें 1 चम्मच ये जीरे का डाल दूंगी। सबसे पहले हम जीरा डालेंगे, फिर लहसुन, उसके बाद प्याज, इन्हें अच्छे से भून लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी प्याज अच्छे से भून चुकी है। ये हरी मिर्च है, मैंने 2 हरी मिर्च काटी हुई है, इसको डालूंगी। फिर टमाटर ऐड करूंगी। अब मैं इसमें मसाले डालूंगी। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर, 1/2 चम्मच चाट पाउडर। इन मसालों को फ्रेंड अच्छे से हमें भून लेना है। ये 1 चुटकी हींग भी डाल दूंगी मैं। ये देखिए फ्रेंड, हमारे मसाले अच्छे से पक चुके हैं। इन टमाटरों को मैं अच्छे से मैश करूंगी। ये देखिए, अब मैं इसमें सारी सब्जियां डाल दूंगी। सबसे पहले आलू डालूंगी। गोभी भी डाल दूंगी। मटर भी ऐड करूंगी। अब इसे अच्छे से मिक्स करना है। ये फ्रेंड मैंने 1 गिलास चावल लिया था,
तो मैं उसमें 1.5 गिलास पानी डालूंगी, एक पूरा गिलास और एक हाफ गिलास। मैंने इसमें 1.5 गिलास पानी डाल दिया है, ये देखिए। अब मैं इसमें चावल डालूंगी। उससे पहले मैं इसमें नमक डालूंगी फ्रेंड, नमक आप स्वाद अनुसार डालना। आप चाहे तो इसे कुकर में भी बना सकते हो, मैं भिगोने में ही बनाऊंगी। मैं इसमें चावल भी डाल देती हूँ दोस्तों। इनको अच्छे से फैला दूंगी इस तरह से पानी के अंदर। अब मैं इसे लीड की सहायता से ढक दूंगी और 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। 10 मिनट हो चुकी है फ्रेंड्स, मैं इसको अब देख लूंगी एक बार। ये देखिए, हम अब सबसे पहले अपनी सब्जी चेक करेंगे। देखिए गोभी गल चुकी है, ये मटर भी गल चुकी है। अब हम चावल चेक करेंगे। चावल अभी हमारा थोड़ा कच्चा सा है, इसलिए मैं इसको रख दूंगी ढक के, गैस बंद कर दूंगी और इसमें थोड़ा घी डाल दूंगी ताकि हमारे चावल चिपके ना। दो चम्मच मैंने घी डाल दिया है। अब मैं इसको चला दूंगी। इसको मैं 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी गैस बंद करके। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे चावल अच्छे से पक चुके हैं। मैं इसमें धनिया पत्ती डाल दूंगी। और इन्हें अच्छे से मिक्स करूंगी हल्के हाथों से। ये अब हमारे चावल बिल्कुल बनकर रेडी है।